शाहपुर पुलिस ने डकैती की योजना बनाते समय 5 बदमाशों को तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। शाहपुर पुलिस को यह सफलता उस समय मिली जब ये किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान महाराजगंज जिले के थाना श्याम देवरा निवासी अजीत सिंह पुत्र राम सूरत सिंह, कृष्ण कुमार पुत्र जवाहर प्रसाद शाहपुर थाना क्षेत्र निवासी, अजय कुमार पुत्र स्वर्गीय सोहन लाल, राम अवतार पुत्र फूलचंद पासवान, धीरज कुमार पासवान पुत्र बाबूलाल पासवान के रूप में हुई है। इनके पास से पुलिस ने चोरी की पल्सर मोटरसाइकिल, एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, चाकू, दरवाजा तोड़ने वाला औजार सहित अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए SSP शलभ माथुर ने बताया। थाना शाहपुर से 5 डकैती की योजना बनाते हुए शातिर अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। इनमें से कुछ लोग महाराजगंज के रहने वाले हैं, कुछ लोग गोरखपुर के रहने वाले हैं और इनसे जो गृह भेदन का सामान है वो भी बरामद हुआ है। इसमें से जो पूछताछ के अंदर बात प्रकाश में आई है, इसमें से एक अभियुक्त कृष्ण कुमार जो है महाराजगंज से चोरी और गैंगस्टर से पूर्व में जेल जा चुका है। अजीत जो है ये बताते हैं गुलरिया से जेल जा चुके हैं। धीरज जो है उन्होंने बताया कि कैंट से ऑलरेडी चोरी में जेल जा चुके हैं। राम अवतार ये भी कैंट थाने से चोरी में जेल जा चुके हैं। और बेसिकली ये लोग जो खाली घर रहते थे उनके रेकी करके उसके अंदर चोरी किया करते थे। इनसे एक मोटरसाइकिल बरामद हुई, तमंचा बरामद हुआ है, सब्बल जो तोड़ने का होता है वो बरामद हुआ है और अन्य चीज़ इसके अंदर बरामद हुई है। और ये पुलिस को सूचना मिली थी कि इस तरह की फिर योजना बना रहे, सूचना पे इन लोगों की गिरफ्तारी की गई है और बाकी विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। सर, इसके पहले भी किसी घटना में इनका संलिप्तता? जी मैंने बताया इसके अंदर जो कृष्ण कुमार है ये बताते हैं कि गैंगस्टर के केस में राजघाट से और महाराजगंज से चोरी जो श्याम देवरा थाना है वहाँ से जेल जा चुके हैं। अजीत के बारे में ये पता लगा है कि श्याम देवरा थाने से पूर्व में जेल जा चुके हैं और थाना गुलरिया जो जनपद गोरखपुर का है यहाँ से जेल जा चुके हैं। तो बेसिकली ये इंटर जनपद टाइप का एक गैंग था जो कि इस तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से चोरी कर रहा था और जैसा मैंने बताया कि चोरी के जो गृह भेदन का सामान है इनसे रिकवर हुआ है और घटनाओं का अनावरण इसमें हुआ है।